दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर को आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर 8 अपाचे हेलीकॉप्टर को वायुसेना के बेड़े में शामिल कराया। अपाचे H-64E दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अमेरिकी सेना में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नवी मुंबई में ONGC के प्लांट में आज आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग ONGC के कोल्ड स्टोरेज में लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटों को देखते हुए आसपास के 3 किलोमीटर तक के इलाके को खाली कराना पड़ा। कोल्ड स्टोरेज में दर्जन भर लोगों के फंसे होने की आशंका थी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले के बाद पहली बार अमित शाह जम्मू कश्मीर के लोगों से मिले। जम्मू कश्मीर पंचायत एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा और लद्दाख से करीब 100 लोग शामिल थे, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आज सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया। इस भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए आज जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों से हजारों युवा पहुंचे। युवाओं का कहना है कि हम धारा 370 हटने से खुश हैं और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। एक हफ्ते तक चलने वाली सेना भर्ती रैली के लिए 29,000 युवाओं ने आवेदन किया। IDBI बैंक को संकट से उबारने के लिए सरकार ने उसमें 9,296 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का निर्णय लिया है। सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम मिलकर IDBI को ये पूंजी देगी। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को लगातार झटके लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के वकील खाबर कुरैशी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर नरसंहार हो भी रहा है तो अभी उसके सबूत इकट्ठा करना काफी मुश्किल है। सबूत नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पेश करना काफी मुश्किल होगा। भारत का आंतरिक मामला होने के बावजूद पाकिस्तान इस मसले को दुनिया के कई मंचों पर उछालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इस मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार रोक दिया था, लेकिन उसका एक कदम उस पर ही भारी पड़ गया। व्यापार बंदी को 1 महीना भी नहीं हुआ है और पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। जीवन रक्षक दवाओं की कमी के बाद पाकिस्तान ने मंगलवार को भारत के साथ आंशिक व्यापार को बहाल कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत से जीवन रक्षक दवाओं के आयात को मंजूरी दी है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी के नेता आजम खान के बचाव में उतर आए हैं। मुलायम ने मंगलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आजम पर गलत तरीके से केस दर्ज किया गया, उनके ऊपर बेबुनियादी जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए। आजम ने गरीबों की लड़ाई लड़ी है और चंदे के पैसे से जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें देश विदेश के कई छात्र पढ़ते हैं। इस कार्रवाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में सपा आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बैंक फर्जीवाड़ा केस में 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 17 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे रतुल पुरी। इससे पहले कमलनाथ के भांजे और मोजा बेयर कंपनी के पूर्व निदेशक रतुल पुरी को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मरवाही सदन से उन्हें गिरफ्तार किया। इस दौरान जोगी के बंगले पर भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। बेटी की गिरफ्तारी पर अजीत जोगी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं जंगल राज है। वहीं अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज हो गई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।